एक्सप्रेस न्यूज। काम नहीं आया लालू का दाव पेच, हंगामे के बीच बिहार विधानसभा के स्पीकर बने विजय सिन्हा। चक्रवाती तूफान निवार का असर शुरू, तमिलनाडु और पांडिचेरी में भारी बारिश। राजनीति में कांग्रेस के चाणक्य माने जाते थे अहमद पटेल, कई बार बने संकट मोचक। कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का निधन, पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। पटेल एक ऐसे भरोसेमंद सहयोगी थे जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, सोनिया गांधी। विदेश मंत्री जयशंकर ने बहरीन के प्रधानमंत्री प्रिंस खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहली बार एक काले छात्र को चुना गया छात्र संगठन का अध्यक्ष। जो बाइडेन ने कहा, मेरा राष्ट्रीय सुरक्षा दल अमेरिका को रखेगा सुरक्षित। दिल्ली में आने वाले बस यात्रियों की होगी जांच, कोरोना के लक्षण मिलते ही कराएंगे आइसोलेट। क्रिकेटर पीयूष चावला के घर के पास पाइपलाइन फटी, सूचना पर भी नहीं पहुंचा कोई कर्मचारी। एएसपी कैंप कार्यालय के रूप में विकसित हो रही भगतपुर इलाके की नेफा पुलिस चौकी। शत्रु संपत्ति समेत 3 मामलों में सांसद आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर। पत्नी और बच्चों को डराने के लिए सफाई कर्मी ने अपने घर में कराई थी लूट। रामपुर नवाब की नवासी ने उठाया सवाल, कहा देखरेख के अभाव में हुई बर्बाद 706 करोड़ की संपत्ति। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए उमड़ी आस्था, भारी संख्या में पहुंचे साधु संत व श्रद्धालु। डीएलएड परीक्षा में नकल, छात्राओं ने कुर्ती और 200 रुपए के नोट पर लिखे गणित के फार्मूले। काशीदेव दीपावली, गंगा की लहरों से देव दीपावली को निहारेंगे पीएम मोदी, तैयारियां शुरू। लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ससुराल सिमर का फेम, आशीष रॉय का निधन, दोनों किडनी हो गई थी फेल। अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े की रोमांटिक जोड़ी ने तोड़े कई रिकॉर्ड। जैकलीन फर्नांडीज ने सोशल मीडिया पर शेयर की बोल्ड तस्वीर, फैंस हुए हैरान। बोर के सीक्वल टाइगर श्रॉफ आउट, सलमान खान और शाहरुख की हुई एंट्री। सिर्फ शादी के लिए धर्म बदला तो शादी अमान्य, मात्र 10 बातें से समझे योगी सरकार के अध्यादेश का पूरा गणित। बिकरू कांड, जिसकी रही सांठगांठ, अब उसी की निगरानी में जांच। बजरिया इंस्पेक्टर की अपराधियों से मिली भगत, हुई उजागर। लापरवाही, 4000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें खराब, सड़कों पर पसरा अंधेरा।